हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी आज की वीडियो में हम देखेंगे टैंगल हार्ट टैंगल हार्ट की केयर प्रपोगेशन और विंटर में उसको कैसे सेव करें वो देखेंगे तो ये देखिए मेरे कितने खूबसूरत टैंगल हार्ट है देखिए कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो चुकी है और ये देखिए पीछे ये डिस्कॉडिया है ये भी हैंगिंग ही है टेंगल हार्ट जैसे ही है बट अभी नया लाया है तो अभी ये छोटा ही है अभी इसकी ग्रोथ होना बाकी है तो ये देखिए मेरे टैंगल हार्ट्स कितने लंबे हो चुके हैं और ये देखिए मैंने इसकी कुछ कटिंग्स यहाँ भी लगाई है ये देखिए ये यहाँ पे भी इसकी कुछ कटिंग्स है तो हम देखते हैं इसकी कटिंग्स को हम ऐसे ही जमीन से टच करके रखते हैं और उस पर थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं तो देखिए ये देखिए मैं इस पर मिट्टी डाल रही हूँ अभी ये मेरे नैस्ट्रीशियम के प्लांट से उसमें भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई है तो ये देखिए इसमें मैं ऐसे मिट्टी रख देती हूँ और इसमें हम बाद में पानी देंगे तो यहाँ पे भी रूटिंग डेवलप हो जाएगी तो आपके इसमें बहुत सारे टैंगल हार्ट आ जाएंगे तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ना इसके बहुत सारे अगर वर्टिकल गार्डनिंग में आप ऐसे बनाओगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा तो वि बट विंटर में ये प्लांट के लीव्स येल्लो हो जाते हैं देखिए इसमें से कुछ इसके येलो हो रहे हैं और कुछ ग्रीन है क्योंकि ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है ये देखिए मैंने येलो कटिंग्स नहीं लगाई थी अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये देखिए कैसे ग्रीन हो चुकी है और यहाँ पे भी देखिए ये येल्लो हो गए हैं क्योंकि ये विंटर में ऐसे हो गए अभी समर आएगा स्प्रिंग आ रहा है तो ये अच्छे से ग्रो होंगे तो ये देखिए इसके कुछ पत्ते ब्राउन भी हो रहे हैं ना ये बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर है तो हमारे यहाँ पे अभी विदर्भा में भी टेन डिग्री के नीचे गया था इसलिए ऐसे हो गया है बट ये अभी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा तो मैं इसकी आपको वीडियो दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये ग्रो करेगा अपडेट दूंगी मैं आपको दस दिन बाद क्योंकि अभी टेम्परेचर तो बहुत राइज़ हो चुका है तो ये देखिए कितने छोटे से जगह में कितने अच्छे से ग्रो हो चुके हैं काफ़ी सुंदर इसकी लीव्स होती है लशी लशी ग्रीन ग्रीन तो हमें इसको कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं एक छोटी सी कटिंग लीजिए उसको देखिए रूट नॉट है तो उसको आप मिट्टी में लगा दीजिए और वो लग जाएगी तो ये देखिए छोटे से बर्तन में भी आप लगा सकते हैं इसको ड्रेनेज का भी कोई इशू नहीं है अगर अच्छे से ड्रेनेज नहीं है तो ये देखिए मैंने इसको प्लास्टिक की ये बोतल में लगाया है इसमें भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखिए कितना अच्छे से ये नीचे आ रहा है तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ये पेंट के बॉक्स कंटेनर में, में लगाया है इसमें भी अच्छे से गो ये यह देखिए यहाँ पे इसको मैंने नारियल में लगाया है नारियल का कवर जो बचा हुआ गिरा था रोड पे तो मैंने वही उठा लिया तो ये यह देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रोड पे गिरे हुए मरे हुए इसको कलेक्ट किया है तो अभी मैं इसको अच्छे से लगाने की ट्राई करती हूँ और इसका मैं आपको दस दिन बाद अपडेट दूँगी ये कैसे ग्रो करें तो ये देखिए रास्ते पे मुझे पड़ा हुआ मिला शायद किसी को लगा होगा कि ये ख़राब हो चुका है तो उन्होंने फेंक दिया तो मैंने इसको कलेक्ट किया है ये देखिए काफ़ी अभी भी इसमें ग्रीन है और रूट्स भी है तो इसको ऐसे ही मैं मिट्टी में दबाते जा रही हूँ और लगाते जा रही हूँ कुछ मैं यहाँ पर लगाऊँगी इसके जो गिरे हुए पत्ते हैं ना उसको भी रूटिंग हो जाता है और वो बड़ा होता है तो उसको भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक मेरा मनी प्लांट भी है और ये मैंने कटिंग लगाई है मैरीगोल्ड की तो ये देखिए इसको हम देखिए थोड़ा सा लूजी हो चुका है तो मैं इसको भी अच्छे से निकाल लेती हूँ अच्छे अच्छे वाले पार्ट इसमें से सेपरेट करने हैं तो ये देखिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया है और ये मैंने इस पॉट में लगाने के लिए ना इसको भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है तो इसमें मैंने ये अच्छा वाला पॉटिंग मिक्स लिया है इसमें थोड़ा साइंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो इसमें मैं ये लगाते जाऊँगी और आपको अभी इसको ऐसे नीचे नीचे नहीं लगाना है इसको राउंड राउंड ही स्पॉट में डालना है ताकि बहुत सारा अंदर से घना हो जाए और बाद में तो वो नीचे आ ही जाएगा देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ आपको वैसे ही लगाते जाना है ये देखिए ऐसे इसको राउंड राउंड करके आपको इसमें रखना है और उसमें मिट्टी डालनी है बस ज़्यादा भी मिट्टी का लेयर नहीं चाहिए थोड़ा सा ही मिट्टी में इसको रूटिंग आ जाएगा और आपको इसको वाटरिंग भी कम ही करना है आप इसको स्प्रे से वाटर कर सकते हैं ज़्यादा वाटरिंग से ये गल जाता है बिकॉज़ ये सक्यूलेंट फैमिली का है तो हमें इसको इसी तरह से इसे छोटा छोटा करके इसे लगाना है देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ देखिए मेरा ये लगा के हो चुका है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है है ना तो ये पूरा लगा के हो गया है अभी हम इसको रख देते हैं और ये थोड़ी दिनों में मैं आपको अपडेट देती हुई देखिए कंटेनर भी आप देख लीजिए और ये देखिए मेरे नास्ट्रेशियम के कितने सुंदर लग रहे हैं ना इसको बहुत फ्लावर आ चुके इसमें भी मैंने कटिंग लगाई है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके आपको मेरे वीडियो का नया अपडेट मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पे भी ये मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे तो मैं आपको मिलती हूँ अगले टाइम तब तक के लिए नमस्कार कल भी मैं एक अच्छा वाला वीडियो डालूँगी सीजनल फ्लावर्स पे सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो और ये देखिए जेड और यहाँ पे भी ये कलिया आ चुकी है तो मैं आपको इसका फ्लावर का भी अपडेट दूँगी तो थैंक यू बाय सी यू अगेन